PeachTreeTutor.com में खुश आमदीद। व्यूवर्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप जो टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं उन्हें हम ब्रॉड कैटेगरीज में, दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और दूसरी कैटेगरी है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब हम इन दोनों कैटेगरीज में से इंडिविजुअली हर एक कैटेगरी पर डिटेल से इन डेप्थ बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट पे, आप अपनी वेब पेजेस पे ऐसी चेंजेस करेंगे, ऐसी तब्दीलियां लाएंगे जिसकी वजह से आपकी साइट ऑप्टिमाइज हो जाएगी। सर्च इंजन्स के लिए सर्च करना उसे बहुत आसान हो जाएगा और किसी भी की टर्म के लिए, जिस की टर्म के लिए आप चाहते हैं साइट को ऑप्टिमाइज करना, जब वो की टर्म सर्च की जाएगी तो आपकी साइट पहले पेज पे डिस्प्ले होगी, वो भी जेनरिक पोर्शन में। तो व्यूअर्स, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन से मुराद है अपनी वेबसाइट पर चेंज करना, और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना लेकिन अपनी वेबसाइट पे चेंज किए बिना। इस पर हम डिटेल से लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, फिर वक्त हम फोकस करते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन पे, और इस चैप्टर में कंप्लीटली हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को डिटेल से देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, PeachTreeTutor.com में खुश आमदीद। अपने इस चैप्टर से हम बाकायदा तौर पर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का आगाज कर रहे हैं। व्यूअर्स, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, जैसा कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम अपनी वेब पेजेस पर चेंजेस करते हैं और उसकी वजह से हमारी रैंकिंग सर्च इंजन में बेहतर होती है। इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरे पास इस वक्त गूगल सर्च इंजन ओपन है और मैं यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल बेली फैट, और एंटर प्रेस करता हूँ। गूगल ने 0.11 सेकंड में मेरे लिए 19 करोड़ 90 लाख रिजल्ट जो है वो जनरेट कर दिए हैं। इसमें से जो टॉप पे हमारे पास साइट आ रही है, पहली तो विकिपीडिया की साइट है। डेफिनेटली विकिपीडिया में तो डेफिनेशन होगी बेली फैट के हवाले से, हमें तो बेली फैट को लूज करने के लिए कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन चाहिए है। इसके लिए दूसरे नंबर पर जो हमारी साइट है उसका जो नाम है वो है लूज बेली फैट 101.org। व्यूअर्स, अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो पहली चीज़, जिस चीज़ ने, पहला एलिमेंट जिसने इस साइट को रैंकिंग बेहतर करने में मदद दी, वो इस साइट का इटसेल्फ नाम है, डोमेन है, जो कि जिसमें बेली फैट का वर्ड यूज़ हुआ है। अब मैं इस पेज को व्यू करता हूँ, एक नए पेज में, एक नए टैब में इस पेज को मैं ओपन करता हूँ और हम देखते हैं कि गूगल ने किन वजूहात की बिना पर इस साइट को रैंक किया है पहले पेज के ऊपर ला के इसको खड़ा किया है। व्यूअर्स, सबसे पहली चीज़ जो वो देखनी है हमें वो है इस वेब पेज का टाइटल। अगर आप इस पेज का टाइटल देखें, हाउ टू लूज बेली फैट, यानी गूगल ने जब बेली फैट के वर्ड्स को सर्च किया तो ये वो वेबसाइट थी जिसमें टाइटल में ही बेली फैट का वर्ड इसे नज़र आ गया। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, आपका टाइटल बेहद इंपॉर्टेंट है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से, इसलिए टाइटल को ज़ाया मत कीजिए। बहुत से लोग बिल्कुल फजूल किस्म के टाइटल्स अपने पेजेस के रखते हैं, फॉर एग्जांपल वेलकम टू माय वेब पेज, माय फर्स्ट वेब पेज, इस किस्म के टाइटल्स कतई तौर पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में कारगर साबित नहीं हो सकते। हमें बेसिकली अपनी डोमेन के नाम के बाद जब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन पे आना है तो पहली चीज़ जो है वो हमारे पेज का टाइटल है, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि टाइटल को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं, मज़ीद रीड आउट करते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इस पेज की जो पहली हेडिंग है वो है हाउ टू लूज बेली फैट, यानी वही वर्ड बेली फैट का वर्ड पहली हेडिंग के अंदर हमें नज़र आ गया है। उसके बाद हम नीचे की तरफ चलते हैं मज़ीद, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बेली फैट का वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है। इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एफ का बटन प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल एफ में आप लिख दीजिए बेली फैट। आप देखिए व्यूअर्स, बेली फैट का वर्ड आपको बारहा नज़र आ रहा है, बेली फैट माइस, और अगर आप इसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं तो ये इस पेज में बेली फैट का वर्ड बहुत मरतबा यूज़ हुआ है। आप देख रहे हैं ऊपर जो इवन लिंक्स जो गूगल के एड्स उन्होंने लगाए हैं उसमें भी बेली फैट का वर्ड आ रहा है। अगर हम नेक्स्ट साइड पर आएँ तो देखें यहाँ पर बेली फैट का वर्ड एक मरतबा जो है वो बोल्ड किया गया है, और अगर हम नीचे देखें तो लूजिंग बेली फैट एक मरतबा इसे अंडरलाइन किया गया है, यानी बार बार बेली फैट का वर्ड जो है यूज हो रहा है। इस चीज को हम कहते हैं कीवर्ड डेंसिटी।
कीवर्ड डेंसिटी का मतलब ये है कि आपके पेज के जो कंटेंट्स हैं, आपके पेज में जो चीज़ें शामिल हैं, जो टेक्स्ट आपने लिखा है, उसमें कितनी मर्तबा आपका जो है वो कीवर्ड यूज़ हो रहा है जिसके लिए आप अपने पेज को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस साइट ने बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइजेशन की हुई, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की हुई। डेफिनेटली ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन भी इसके पीछे यकीनी तौर पर कार फरमा है कि ये साइट पहले पेज पर नज़र आ रही है हमें। हालांकि बेनिफिट एक बहुत ही जो है वो पावरफुल किस्म का वर्ड है, बहुत ही हम कह सकते हैं कि कम्पिटिटिव कीवर्ड है। बेशुमार वेबसाइट्स ने इस वर्ड को यूज़ किया होगा और अब आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम कंपटीशन डिटरमिन करते हैं और कीवर्ड्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं। लेकिन फिल वक्त हमें जो चीज़ें पता लगी वो ये कि आपके पेज का टाइटल, आपके पेज की हेडिंग और फिर जगह जगह आपके पेज में जो वर्ड यूज़ हो रहा है वही कीवर्ड बार बार यूज़ हो रहा है। और इसके अलावा एक चीज़ और व्यूवर्स, वो लास्ट चीज़ है आपके मेटा टैग्स। मेटा टैग्स क्या होते हैं आगे हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त अगर आप इस पेज का सोर्स कोड व्यू करें, सोर्स कोड से मुराद जो इसका HTML कोड है, तो यहाँ पे आपको जो मेटा टैग नज़र आएंगे, मेटा टैग में दो टैग इंपॉर्टेंट हैं सर्च इंजन के हवाले से, एक है मेटा डिस्क्रिप्शन और एक है मेटा कीवर्ड। तो इसमें आप देखें अगर मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और उसमें जो कॉन्टेंट्स हैं उसके, हाउ टू लूज बेली फैट टिप्स ट्रिक्स एंड मेथड्स यू विल लूज बेली फैट यूजिंग दिस सिंपल, यानी बेली फैट का वर्ड मेटा टैग्स में भी यूज हो रहा है बार बार। तो इसका मतलब है कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से चंद एक एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए एक बार ब्रीफली देखते हैं कि वो एलिमेंट्स क्या हैं। व्यूअर्स, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से पहली चीज तो होगी पेज टाइटल, दूसरी चीज है यूज ऑफ H1 एंड H2। अगर आप HTML से वाकिफ हैं, और यकीन तौर पर आपको HTML से वाकिफ होना चाहिए तभी आप एक वेबसाइट बनाने के काबिल हो पाएंगे, तो H1 और H2 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्ड्स आप H1 और H2 में लिखते हैं, हेडिंग 1 और हेडिंग 2 में लिखते हैं, आप जानते हैं कि हेडिंग जो है वो 1 से लेकर 6 तक के जो है वो साइजेज हैं डिफरेंट। तो जो भी टेक्स्ट H1 और H2 में लिखा होता है उसे गूगल बहुत इंपॉर्टेंस देता है। और अगर आप अभी जो हमने एग्जांपल देखी थी उसमें जो पहला जो टाइटल था वो H1 में लिखा हुआ था जिसमें कि बेलीफाइड का वर्ड यूज हुआ होगा। उसके बाद यूज ऑफ कीवर्ड्स इन पेज कंटेंट्स, जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि बार बार पेज पे आप अपने उन कीवर्ड्स का स्प्रिंकल कर दें, एक किस्म का आप कह देंगे छिड़काव कर देंगे, लेकिन ये स्प्रिंकल जो है एक नेचुरल वे में होना चाहिए, नेचुरल लुक देना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह एक आम इंसान जब किसी पेज को रीड करे तो उसे अगर एक वर्ड बार बार बिना वजह यूज हो रहा है तो वो उसे इन नेचुरल लगेगा, स्पामिंग फील होगी। बिल्कुल इसी तरह से सर्च इंजन को भी आपका पेज स्पाम लग सकता है। स्पाम से मुराद ये कि एक ऐसी कोशिश जिसमें आपने सर्च इंजन को धोखा देने की कोशिश की हो। तो आपने अपने वर्ड्स को, कीवर्ड्स को स्प्रिंकल करना है बार बार, लेकिन इस तरीके से कि वो नेचुरल वे में नेचुरल लुक दे। उसके बाद उन कीवर्ड्स को एड एक मरतबा बोल्ड करना है, एक मरतबा अचालिक करना है और एक मरतबा अंडरलाइन भी करना है, लेकिन एक मरतबा से ज़्यादा नहीं करना। मसलन अभी जो हमने पेज देखा था उसमें बेली फैट का वर्ड आपने देखा बोल्ड भी हुआ हुआ था एक मरतबा, अंडरलाइन भी हुआ था और अटैलिक भी हुआ था। उसके बाद दो और चीज़ें जो हैं वो हैं यूजिंग ऑल्ट इमेजेस टैग। ऑल्ट इमेजेस का क्या मतलब है व्यूअर्स, जब आप अपने वेब पेज में इमेज इंसर्ट करते हैं तो उस ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी इंसर्ट करना पड़ता है उसमें आपको। अगर आप ड्रीमवीवर या वर्डप्रेस जैसी सॉफ्टवेयर्स की मदद से अपनी साइट डिज़ाइन करते हैं तो आपने वहाँ पे ऑल्ट का ऑप्शन देखा होगा। बेसिकली ऑल्ट से मुराद ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव से मुराद वो टेक्स्ट जो उस वक्त नज़र आएगा जब के इमेजेस को डिसेबल किया गया होगा। व्यूअर्स एक बात ध्यान में रखिएगा कि सर्च इंजन इमेजेस को रीड आउट नहीं कर सकते, इसलिए जब सर्च इंजन आपके वेब पेज को रीड करता है, और लेटर ऑन आगे जाके हम डिटेल से देखेंगे कि सर्च इंजन किस तरह से काम करते हैं, सर्च इंजन जब आपके पेज को रीड करता है तो वो आपके पेज में जो इमेजेस मौजूद हैं उन्हें रीड नहीं करता। इसलिए गूगल या दूसरे सॉफ्टवेयर्स, गूगल या दूसरे सर्च इंजन जब अपने क्रॉलर्स या रोबोट्स को भेजते हैं पेजेस को रीड आउट करने के लिए, तो उस वक्त उन क्रॉलर्स को वहां पर इमेजेस नजर नहीं आते, बल्कि उन इमेजेस की जगह अगर ऑल्ट टेक्स्ट यूज किया गया है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज किया गया, तो वो टेक्स्ट उन्हें वहां पर वो विजिबल होता है। इसलिए आप ऑल्ट टेक्स्ट के तौर में भी यकीनी तौर पे जो है वो अपने कीवर्ड्स को यूज करें। मिसाल के तौर पे आपने एक इमेज इंसर्ट किया है तो उसको ऑल्टरनेट टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, इमेज फॉर रिड्यूसिंग बेली फैट फॉर एग्जाम्पल, तो आपका एक कीवर्ड एक मतलब फिर यूज हो गया और ये इन नेचुरल भी नहीं लगेगा, नेचुरल में आपको दिखाई देगा। और उसके बाद लास्ट चीज जो सर मैंने पहले डिस्कस की, मेटा टैग्स। मेटा टैग्स अगरचे इतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते, एक वक्त था
जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ मेटा टैग्स की बेस पर होती थी, लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है। अब सर्च इंजन आपके पेज कंटेंट्स को प्रॉपरली रीड आउट करते हैं, लेकिन स्टिल मेटा टैग्स अभी भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करते हैं, तो आपको अपने मेटा टैग्स में भी पेजेस को यूज़ करना है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने पेज के टाइटल को किस तरह से जो है वो सेट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, peacetreetutor.com में खुश आमदीद। व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की, और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेज टाइटल की। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में तस्करा किया कि बहुत से लोग पेज टाइटल को इंपॉर्टेंस नहीं देते और उसमें बिल्कुल बेमानी किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेज टाइटल इंतहाई इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का, क्योंकि जब सर्च इंजन आपके पेज को रीड आउट करना शुरू करता है तो सबसे पहले वो आपके पेज टाइटल को आप जो है वो रीड करता है। तो अगर पेज टाइटल में ही वो कीवर्ड्स सर्च इंजन को नज़र आ जाते हैं जिसको सर्च किया जा रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो आपके पेज को इंपॉर्टेंस देगा और ज़्यादा चांस है कि वो पहले पेजेस में इंक्लूड हो जाए आपकी साइट में। तो व्यूअर्स, देखते हैं कि पेज टाइटल के हवाले से हमें किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। व्यूअर्स, पेज टाइटल के हवाले से चार बातें इंतहाई अहम हैं। पहली बात कि आपको अपने पेज का टाइटल 60 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं रखना है, यानी आपके पेज टाइटल में जो कैरेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं, वो 60 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए इंक्लूडिंग स्पेसेस। दूसरी बात कि आप अपने प्राइमरी कीवर्ड्स को अपने पेज टाइटल के तौर पे इस्तेमाल कीजिए। प्राइमरी कीवर्ड्स क्या होते हैं? व्यूअर्स, जब आप अपने कीवर्ड्स की लिस्ट बनाते हैं जिन कीवर्ड्स की बेस पे आपको अपनी साइट को ऑप्टिमाइज़ करना है, तो उस लिस्ट को आप बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी कीवर्ड्स और सेकेंडरी कीवर्ड्स। प्राइमरी कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जिससे रिलेटेड ज़्यादा कंटेंट्स आपके साइट में मौजूद होते हैं, और सेकेंडरी कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिनकी बेस पे भी आप ऑप्टिमाइजेशन तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें वो इंपॉर्टेंस हासिल नहीं होती जो कि प्राइमरी कीवर्ड्स को होती है। और उसके बाद व्यूअर्स, जब आप अपने पेज टाइटल को जो है वो टाइप कर रहे हो तो उसमें एंड का वर्ड कोशिश करें कि ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एडिशनल स्पेस जो है वो कंज्यूम करेगा। उसकी जगह एक अच्छी जो एग्जांपल है वो हमारे पास वर्टिकल जो बार है हमारा, ये साइन आपके पास, ये सिंबल जो है कीबोर्ड में एंटर की के एग्जैक्टली ऊपर मौजूद है, एंटर की के एग्जैक्ट ऊपर ये जो सिंबल है वो आपके पास मौजूद होगा, तो आप एंड की जगह इस वर्टिकल स्क्रॉल बार को जो है यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकल बार को यूज़ कर सकते हैं। वर्टिकल बार बेसिकली डिनोट करती है एंड ही को, यानी इस वर्टिकल बार का मतलब है एंड। तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी साइट का टाइटल, साइट के टाइटल में आप कीवर्ड्स ऐड करना चाहते हैं लूज बेली फैट एंड बेली फैट एक्सरसाइजेस, तो इसका ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप उस टाइटल को शॉर्ट करके लूज बेली फैट, उसके बाद आप ये सिंबल या साइन यूज़ करेंगे और उसके बाद बेली फैट एक्सरसाइजेस को इंक्लूड कर दें। और अगर आप गौर करेंगे, नोटिस करेंगे, बहुत सी साइट्स, बेशुमार साइट्स ऐसी हैं जिन्होंने इस टेक्निक को अडॉप्ट किया हुआ है और वो एंड को यूज़ करने के बजाय वर्टिकल बार को यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हमने अपने वेब पेज के टाइटल के बारे में डिस्कस किया, और अब मैं फील कर रहा हूँ कि हमें कीवर्ड रिसर्च के बारे में कुछ जो है वो नॉलेज होना चाहिए। कुछ बातें हम कीवर्ड रिसर्च के बारे में भी डिस्कस कर लें। उसकी वजह ये है कि अभी तक हमने कीवर्ड की सिलेक्शन के बारे में जो है कोई भी डिस्कशन नहीं की कि कीवर्ड्स किस तरह से सिलेक्ट किए जाएँ, कौन से कीवर्ड सिलेक्ट करने चाहिए, और कीवर्ड सिलेक्शन के लिए हमारे पास कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कीवर्ड सिलेक्शन या कीवर्ड रिसर्च के बारे में बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, peacetreetutor.com में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज हो या ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यह है कि आप किन कीवर्ड्स की बेस पे अपनी साइट को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ रिसर्च करना होगी, कुछ टूल्स यूज करना होंगे जिसकी मदद से आपको यह मालूम होगा कि किन कीवर्ड्स की बेस पे आपको अपनी साइट को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। यहाँ पे व्यूअर्स, मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि आपकी साइट कितनी तेज़ी से ऑप्टिमाइज होती है, कितनी जल्दी सर्च इंजन में पहले पेज पे आ जाती है, इस बात का इनसार एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट पे है कि आपकी साइट किस टॉपिक पे बनाई गई है। बाज़ वेबसाइट्स जो हैं वो निच टॉपिक्स पे होती हैं। निच का मतलब होता है कि एक खास स्पेसिफाइड टॉपिक जिस पे बहुत कम लोग काम करते हैं, ऐसी साइट्स जो कि तादाद में कम होती हैं इसलिए बहुत जल्दी वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में पहले पेज में अपना जगह बना लेती हैं। लेकिन जो कॉमन साइट्स हैं, जैसे कि वॉलपेपर्स की साइट्स हैं, मोबाइल रिंगटोन्स की साइट हैं, या सॉन्ग्स की साइट्स हैं, इस तरह की साइट्स बेशुमार तादाद में, और बहुत से लोग ऐसी वेबसाइट्स जो है क्रिएट करते हैं, इसलिए इसमें कंपटीशन बहुत सख्त होता है। ऐसी साइट को ऑप्टिमाइज़ करने में हो सकता है 4 से 5 माह का वक्त लगे,
चार से पांच माह के अरसे में ये साइट जो है, ऐसी साइट जो कि जनरल टॉपिक बनी हुई है, कॉमन इंटरेस्ट की साइट है, ऐसी साइट को ऊपर आने में कुछ टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपकी साइट निच मार्केटिंग पे बेस कर रही है, मींस निच का मतलब होता है कि आप एक खास स्पेसिफाइड सेगमेंट को चूज़ कर लेते हैं और फिर उसे आप सर्व करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको अपनी रिसेंटली अपलोडेड साइट से देता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली अपनी एक साइट अपलोड की है peachtreetutorial.com। चूंकि इस साइट का थीम जो पीच ट्री से रिलेटेड है, इस पर पीच ट्री के ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। पीच ट्री पे जो काम किया गया है वो बहुत कम है, और ख़ास तौर पर उर्दू में जो काम किया गया बहुत कम है। इसीलिए ये साइट तीनों बड़े सर्च इंजन पे विद इन अ फ्यू डेज जो है वो पहले पेज पे अपनी जगह बना चुकी है। लेकिन अगर यही साइट एक कॉमन टॉपिक पे होती, जैसे कि वॉलपेपर्स या सॉन्ग्स या रिंगटोन्स, तो शायद बहुत ज़्यादा वक्त लगता कंपैरेटिवली इस साइट के उसे सर्च इंजन में पहले पेजेस पे जगह बनाने में। तो व्यूअर्स, कीवर्ड सिलेक्शन के हवाले से आपको दो काम करने हैं। आपको वो कीवर्ड्स सिलेक्ट करने हैं अपनी साइट के कंटेंट्स के हवाले से जो कि ज़्यादा सर्च किए जाते हैं, और दूसरा उनमें कंपटीशन कम हो। व्यूअर्स, कंपटीशन से क्या मुराद है और सर्च से क्या मुराद है, इन दोनों चीज़ों को हम डिटेल से देखते हैं। इस वक्त मेरे पास गूगल सर्च इंजन ओपन है, इस पर मैं एक कीवर्ड सर्च करता हूँ, वॉलपेपर्स। और व्यूअर्स, इसके लिए जो रिजल्ट जनरेट हुए हैं, ज़रा उसका नंबर्स को काउंट कीजिए। 69 करोड़ 70 लाख रिजल्ट्स, मींस 69 करोड़ 70 लाख वेब पेजेस ऐसे हैं जिनमें वॉलपेपर्स मौजूद हैं या वॉलपेपर्स से रिलेटेड कंटेंट्स मौजूद हैं। इसका मतलब है कि इस एक स्पेसिफाइड कीवर्ड के लिए आपको बहुत ही स्टिफ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। बेशुमार साइट्स ऐसी हैं जिन्होंने वॉलपेपर्स को अपने कीवर्ड के तौर पर यूज़ किया हुआ है। अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें आप वॉलपेपर्स रखना चाहते हैं, तो आपकी साइट के लिए वॉलपेपर एक अच्छा कीवर्ड नहीं है। अगरचे ये बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता होगा, लेकिन इसके साथ साथ इसका कंपटीशन भी इंतहाई स्टिफ है। कंपटीशन और ग्लोबली सर्च को फाइंड आउट करने के लिए खुशकिस्मती से हमारे पास एक फ्री टूल मौजूद है जिसे गूगल एडवर्ड कीवर्ड टूल कहते हैं। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं गूगल एडवर्ड कीवर्ड, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल है वेबसाइट पे। यहाँ पे आप किसी भी एक खास स्पेसिफाइड कीवर्ड को देख सकते हैं कि वो कितनी मर्तबा पूरी दुनिया में सर्च किया जाता है और उसका कंपटीशन क्या है। मिसाल के तौर पर, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाई वॉलपेपर्स की, तो मैं यहाँ पे कीवर्ड के तौर पे वॉलपेपर रखता हूँ, और लोकेशन मैं चेंज कर देता हूँ इसकी, यूनाइटेड किंगडम को क्लोज कर देता हूँ ताकि तमाम पूरी दुनिया से मुझे रिजल्ट जो है वो दिखाए जाएँ। और यहाँ पर मुझे कैप्चा एंट्री जो है वो एंटर करना है, बिटवीन, और इसके बाद व्यूअर्स मैं इसको सर्च करता हूँ। लीजिए व्यूअर्स, गूगल एडवर्ड कीवर्ड ने हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो जनरेट कर दिया है, और यहाँ पर आपको जो है वो तीन एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। मेन इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं वो तीन हैं, एक है आपका कीवर्ड, दूसरा है उसका कंपटीशन, और तीसरा है उसका ग्लोबल मंथली सर्च। लोकल मंथली सर्च और ग्लोबल मंथली सर्च अमूमन सेम ही होती है, इसलिए आप लोकल मंथली सर्च को इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ना कीजिए। मेन तीन एलिमेंट्स हमारे कीवर्ड, कंपटीशन और ग्लोबल मंथली सर्च। व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्री वॉलपेपर्स, इससे बेसिकली जब आपने ये कीवर्ड सर्च किया वॉलपेपर्स, तो गूगल ने ना सिर्फ वॉलपेपर्स बल्कि उससे जो मिलते जुलते कीवर्ड्स हैं उन सब का हमें रिजल्ट जो है दिखाया है। अगर हम सिर्फ वॉलपेपर की बात करें तो वॉलपेपर यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्लोबल मंथली सर्च इसकी बहुत ज़्यादा है, 6 करोड़ 80 लाख मर्तबा पर मंथ वॉलपेपर की टर्म को सर्च किया जाता है। मींस ये सर्च, ये टर्म जो है, ये एक कीवर्ड वॉलपेपर 6 करोड़ 80 लाख मर्तबा सर्च किया जाता है। और अच्छी बात यह है व्यूअर्स, अगर आप इसके कंपटीशन का जायज़ा लें तो कंपटीशन लो कंपटीशन है। मींस बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स वॉलपेपर, वर्ड वॉलपेपर को यूज़ नहीं कर रही की टर्म के तौर पे। तो अगर आप एक वॉलपेपर की साइट बना रहे हैं, तो अब आप इस रिज़ल्ट की बेस पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये कीवर्ड एक अच्छा कीवर्ड है। इसी तरह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं नीचे आपको एक लंबी फहरिस्त मौजूद है जिसमें डिफरेंट आपके पास कीवर्ड्स भी हैं और आपके पास उसके ग्लोबली मंथली सर्च भी है। व्यूअर्स, यहाँ पे आपको दो बातों का ख्याल रखना है। एक ये कि आप जो भी कीवर्ड सेलेक्ट करें उसकी ग्लोबल मंथली सर्च तो ज़्यादा होनी ही चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कंपटीशन। आपका कंपटीशन
लो हो, जितना लो हो, जितना कम हो उतना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप एक नई वेबसाइट बनाते हैं तो आपको कंपीट करना होता है। अगर आप थोड़ा सा डाउन साइड पर स्क्रॉल करें तो आपको बहुत कम, बहुत ही लो जो कंपटीशन है वो भी, उसके भी एक कीवर्ड मिल जाएगा, वॉलपेपर 2011। अगरचे ये वर्ड उतनी मरतबा सर्च नहीं किया जाता जितनी मरतबा सिर्फ वॉलपेपर सर्च किया जाता है, यानी 3,68,000 मरतबा, लेकिन इसका कंपटीशन कम है। इस चीज़ को हम जो है वो गूगल पे भी जाके जो है अप्लाई करके देखते हैं। वॉलपेपर्स 2011 को अगर हम सर्च करें तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है रिजल्ट। जब हमने सिर्फ वॉलपेपर को सर्च किया तो यहाँ पे हमारे पास 69 करोड़ 70 लाख जो वेबसाइट्स या पेजेस ऐसे हैं जिन पर वॉलपेपर्स का कीवर्ड मौजूद है, लेकिन अगर वॉलपेपर्स 2011 को सर्च करें तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो ये है कि ये कीवर्ड वॉलपेपर्स 2011 41 करोड़ 10 लाख वेबसाइट या वेब पेजेस पर मौजूद है। अगरचे ये भी बहुत स्टिफ कंपटीशन है, बट कंपैरेटिवली टू 69 करोड़, आप अगर 41 करोड़ को देखें तो जाहिर सी बात है कि मेजर डिफरेंस आपके पास तकरीबन 28 करोड़ का डिफरेंस है, ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो आपने इन दो बातों को जहन में रखते हुए अपने कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है कि कंपटीशन कम से कम हो और आपका जो ग्लोबल मंथली सर्च है वो ज़्यादा हो। यहाँ पे देखिए एक और की टर्म जो हमारे पास मौजूद है, कूल वॉलपेपर्स, इसका कंपटीशन भी बहुत लो है, बहुत वीक है, और उसका जो ग्लोबल मंथली सर्च है वो 4,50,000 मरतबा है। व्यूवर्स, इस वक्त आप कोशिश कीजिए कि एक जब शुरू में आप अपनी साइट को लॉन्च करें तो बहुत छोटा कीवर्ड सेलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि कीवर्ड जितना छोटा होगा कंपटीशन उतना ही स्टिफ होगा। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा जो है वो कीवर्ड सर्च कीजिए, जैसे कि कूल वॉलपेपर्स या वॉलपेपर्स 2011 या डेस्कटॉप वॉलपेपर्स फ्री, या फॉर एग्जांपल इसी तरह के मिलते जुलते ब्यूटीफुल वॉलपेपर्स। इस सूरत में अगरचे आपके पास कंपटीशन जो है वो कम होगा और उसके साथ साथ ग्लोबल मंथली सर्च भी कम होगी, लेकिन आपकी साइट को जेन्युइन ट्रैफिक मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन कम है तो आपकी साइट के ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा है। लेटर ऑन जब आपकी साइट एक पोजीशन डेवलप कर ले, जब आप देखते हैं कि एक बड़े कीवर्ड पे, फॉर एग्जांपल कूल वॉलपेपर की बेस पे अपने साइट को ऑप्टिमाइज करते करते आप पहले पेज पे ले आए हैं, अब आप इस पोजीशन में आ गए हैं कि अब आप उस कीवर्ड को शॉर्टन कर दें, छोटा कर दें, और कोई बेहतर कीवर्ड जो ज़्यादा ग्लोबली सर्च होता हो उसकी बेस के ऊपर आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। व्यूअर्स, अपने इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं।